खोश था हुआ यहाँ पे तो मच। सो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं कल्पा। सो आज हम जा रहे हैं कल्पा और यहाँ पे रुके थे हम सिड्डू खाने के लिए थ्योग में। तो आज कल्पा जाएंगे, फिर कल का हम प्लान करेंगे कि कल्पा से निकलेंगे स्पीति के लिए। तो मिलते हैं आपसे आगे तक। सो अभी हम निकल रहे हैं, नारकंडा से डिसेंड कर रहे हैं और यहाँ पे तो हल्की हल्की गर्मी है, ज़्यादा मतलब ठंडा मौसम नहीं है यहाँ पे। हमने अभी क्रॉस किया है रामपुर बुशहर और हल्की हल्की बारिश शुरू हुई है। तूफान पहले से आ रहा था पीछे से, बट बारिश अभी हल्की हल्की शुरू हुई है। और क्या मौसम विशेषज्ञों का मानना है तो ये थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए खाली मौसम साफ होने के लिए हुई है। क्या बोलते हैं मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से दीपा शर्मा ने ये प्रेडिक्शन की है कि आधे घंटे की बारिश रहेगी, आधे घंटे की बारिश रहेगी और ये हवाएं, तेज हवाएं इन बादलों को उड़ाकर ले जाएंगी, क्लाउडों को। हम ऑफिशियली किन्नौर में एंटर कर चुके हैं, तो देखो यहाँ पहुँच गए हैं। अब इसके बाद वो एक केव भी आने वाली है और इससे पीछे वो था किन्नौर द्वार। ये है जी वो केव किन्नौर वाली, ये बच्चों की पिकनिक आई है इधर। ये कैसे लगी आपको केक? हैं? ऐसा था पूरा विंटर्स में जब मैं आया ना, पूरा रोड ऐसी थी। सो ये है वो वाली मतलब जो केव रूट्स आया है सारा का सारा, ये पहाड़ी काट के जो है सारा का सारा रोड बनाया हुआ है। और पूरी काफ़ी मतलब 2-3 किलोमीटर तक आपके ऊपर ऐसे ये मतलब छाते जैसा रहता है आपके ऊपर ही रोड, और आप नीचे नीचे से जाते हैं। लुक्स वेरी अमेजिंग। सो फाइनली अभी हम पहुंच गए कल्पा, बट कल्पा तक मैंने ज़्यादा रास्ते में इसलिए रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि बिकॉज कल्पा तक मैं पहले भी आया था एक बार, तो डिटेल वीडियो एक मैंने डाली हुई है। तो आइए आइए, तो कल सुबह यहाँ से काजा निकलेंगे तो फिर मैं डिटेल रास्ते की वीडियो बनाऊँगा। ये है जी हमारा जो होटल, आज का होटल किन्नर विला। वहाँ नीचे खड़ी हमारी पार्किंग और सो गुड मॉर्निंग फ्रॉम कल्पा। ये देखिए सुबह यहाँ कितनी खूबसूरत है। ये किन्नर कैलाश वाली रेंज है और सनराइज इसके पीछे देखो कितना खूबसूरत हो रहा है। ये रहा खूबसूरत गांव कल्पा। और ये रहे किन्नर कैलाश जी।
तो हल्का फुल्का प्लान में चेंज किया हमने। एक्चुअली काजा में जाके ना हमारी ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो फिर हमने थोड़ा किन्नौर ही तो और थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। आज जाएंगे हम नाको तक, फिर उसके बाद नाको लेक वगैरह एक्सप्लोर करके विल कम बैक टू किन्नौर इटसेल्फ। कहीं पे मुरंग मुरंग के आसपास रुकेंगे और उसके बाद जो हमारा कल का दिन होगा उसमें हम जाएंगे सांगला चितकुल। कल रात रुकेंगे सांगला और चितकुल कवर करेंगे एंड देन विल गो बैक टू सोलन। भैया कैसा लगा आपको सुसाइड पॉइंट? सैमी कैसा लगा आपको? अच्छा, बहुत बढ़िया। आपको दीवा कैसा लगा? बहुत अच्छा। ये जी सुसाइड पॉइंट, तो ये है जो कल्पा का मंदिर। यहाँ पे कुछ कोम्पास है बाहर, मंदिर की स्टेयर्स है। मंदिर बंद, ये मंदिर है पर ये बंद अभी। ट्रांसलेटर दीवा यहाँ। सो अभी हम निकले हैं रिकॉम्पियो से काजा की तरफ। से 10-12 किलोमीटर पे ही ऐसी केव्स। Thank you.
देखना सामने कैसे बनाया वो पहाड़ी पे ऊपर, दिख रहा है दीदी? से निकलने के बाद सबसे पहले आता है मुरंग और अभी है इस जगह का नाम है स्पिलो। अब इसके बाद मुझे भी नहीं पता क्या होगा। देखो नीचे तो यहाँ पे ऊपर कुछ ना क्या देखने के लिए कहाँ जा रहे हो आप? जम्मू कश्मीर का इधर कुछ काम चला हुआ ऊपर, तो इन्होंने थोड़ी देर के लिए हॉल्ट कराया यहाँ पे। और यहाँ से व्यू देखो आप, स्पिलो के आगे से ये लद्दाख वाले थोड़ी टोपोग्राफी शुरू हो गई है। So, ये है पू टाउन। जहाँ पे स्पीति और हमारी सतलुज रिवर जो है मिलती है, उस जगह का नाम है ख्वाब। और यही है शायद वो ब्रिज जहाँ पे हुआ था शूटिंग हुई थी मूवी की, इसकी 3 इडियट्स की। खेलने
सो हम हैं अभी ख्वाब जगह पे, यहाँ पे हमें अभी इस जगह नाम है ख्वाब, और यहाँ पे हम संगम है दो नदियों का, यहाँ पे स्पीति और सतलुज मिलती है आपस में। सो ये जो नदी है वो है स्पीति और वो उधर से आ रही है सतलुज, और यहाँ मिलके ये एक ही सतलुज बन जाती है। सब व्यू चेक करो यहाँ से, ये इस रोड से आया सामने से जहाँ पे हमने गाड़ी खड़ी की थी वो सामने वाली साइड, अब इस साइड से व्यू देखो। जब कोई उतरेगा तभी हम कर लेंगे। तो हमें अभी हिमाचल के छोटे से गांव नाको में, और यहाँ पे साइट सीइंग के लिए एक लेक है, फिर एक मोनेस्ट्री है। तो अब हम पहले जा रहे हैं लेक देखने, उसके बाद हल्का फुल्का यहाँ पे लंच करेंगे और वापस हम जाएंगे कल्पा के आसपास, ताकि हम कल सांगला और चित्तूर घूम सकें। बाहर पार्किंग करने के बाद आपको ऐसे जैसे रास्ते से लेक तक जाना है, ये सामने आपको लेक दिख रही होगी, ये हमारे आ रहे हैं बाकी सैनानी। वाह यार, हाँ ये तो ठीक है, वो भी ऐसी जगह पे इतनी बड़ी लेक। पिछला टैरेन आपने देखा जो हम वीडियो में, पर वो उसके बाद बंदा सोचता है कि इतनी बड़ी लेक कहाँ पे होगी। आप बट इट्स गुड, एक बार देखिए। सो ये है जी नाको लेक, यहाँ पे कुछ बोटिंग वोटिंग का प्रोविजन भी है।
पे यहाँ लिखा है सेक्रेट लेक, ये है। अब यहाँ से ऊपर एक व्यू ये है जी, नाको विलेज, ये नाको लेक। ऐसे कोल्ड डेजर्ट्स में देखो लेक, अब यहाँ से देखो एग्जैक्टली कैसा दिख रहा है ना, पूरे कोल्ड डेजर्ट के बीच में इतनी हरी भरी लेक पूरी पेड़ पौधों के साथ। नहीं कैसा लगा है, ऐसा लग रहा है लेह लद्दाख जैसा टाइम लग रहा है। हाय दीवा, हाय, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। क्या क्या देखा आपने, सबसे अच्छा क्या लगा? शिव जी जी का मंदिर। अच्छा, और हाउ डिड यू लाइक द लेक? लेक भी अच्छी लगी। अच्छा, और वहाँ जो बोट्स भी थी ना वो भी अच्छी लगी, कलरफुल थी है ना, मजेदार थी। यहाँ पे देखो इन पहाड़ों पे बिल्कुल भी प्लांट्स नहीं है ना, बड़े बड़े पहाड़ देखो, बड़े बड़े पहाड़। सो यहाँ से मुड़ने से पहले मैंने मलिक नाला देखने आगे, मेरे को लगा यहाँ पे बड़ा ऑफ रोडिंग स्ट्रेचेस होते हैं, वीडियो में देखा मैंने काफ़ी, बट कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो ये है जी मलिक नाला, ये रोड गई आगे काजा, ये वापस रिकॉन्ग पियो, और ये भी हम भी चल पड़े वापस रिकॉन्ग पियो। खोस्ट आवा यहाँ पे करें लंच, शीशों में थोड़ी धूप शूप से बचाव हो जाता, देखने में भी अच्छी लगती है। यहाँ से जाते टाइम इतना टाइम लगा था हमें ना, तो फिर से हमें एक बार दोबारा पहुंच गए ख्वाब नदियों के संगम पे। वो तो ऐसे फ्लैट में
मैं कल वो छोटा सा पत्थर ही बजा था वो लैंडस्लाइड वाला, डर बड़ा लगा था उसमें मेरे को। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू थर्ड डे इन किन्नौर। सो आज हम अभी निकले हैं अपने यहाँ से रिकांगपियो से निकले हैं और अभी जा रहे हैं हम सांगला और चितकुल कवर करेंगे आज। लास्ट टाइम जब मैं जैन में गया था तब वहाँ लास्ट में ना चितकुल से थोड़ा सा आगे जाके मंदिर है जहाँ पे ये आर्म्ड फोर्सेस की एक लास्ट पोस्ट है, उसके आगे एक मंदिर है, वहाँ तक नहीं जाने दिया था, बट अभी शायद सीजन टाइम पे खुला हो क्योंकि उस टाइम पे वहाँ पे बर्फ थी काफी। ये जी सांगला खड़शम से सांगला चितकुल वाला रोड, जनवरी में भी ऐसी हालत थी इस रोड की, अभी भी ऐसा ही है। एक्सपेक्टेड था कि शायद ब्लैक टॉपिंग वगैरह हुई होगी बट ऐसा कुछ नहीं है। ये मंदिर है, ये फिर से वैसा वाला है, पूरा कटिंग करके बनाया हुआ है पूरा यहाँ से आगे पास तक। सब कुछ है स्कूल में, देखो रोड कितनी अच्छी है स्कूल की, गांव की रोडें कितनी अच्छी हैं, वो स्कूल देखो ग्राउंड बनाया गया कितना प्यारा, छोटा सा गांव है बट सेरी, वो देखो लास्ट ग्रीन बिल्डिंग ग्राउंड है जिसके आगे ये वाला ग्राउंड वो साइड पे वो। क्या बानिया दीरा क्या हुआ तो ये सामने है चितकुल गांव। आज लास्ट टाइम जब मैं जान में आया था तब यहाँ सब कुछ छोटा सूखा था बिल्कुल, अभी हरियाली देखो आप हाँ। ग्राम पंचायत चितकुल आपका हार्दिक स्वागत करती है, सौजन्य से अमर उजाला।
तो भाई हम पहुंच गए हैं चितकुल, और ये जो पीछे कैंप्स हैं रिवर साइड कैंप्स हैं ये हमारे हैं। यहाँ पीछे देखो वो रिवर है, और अच्छे कैंप्स हैं, नए नए बने हैं, बिल्कुल कोजी कोजी से चार पांच ही कैंप्स हैं। अब ये एक में फर्स्ट और सेकंड वाला हमारा, और आगे अभी किसी कोई और गेस्ट आएंगे इनके, तो इट्स गुड। हाँ ठीक है ठीक है। सो ये चितकुल था हमारे पीछे, और ये लास्ट पॉइंट तक हम आए थे अभी। ये देखिए पीछे क्लाउड्स कितने अच्छे हैं, क्लाउड्स क्या माउंटेन्स कितने अच्छे हैं। इसके पार चाइना बॉर्डर है, दिस इज़ द लास्ट विलेज ऑफ इंडिया। हल्की फुल्की बारिश भी हो रही है, और यहाँ से देखो एक ये देखो ग्लेशियर से पानी आ रहा है। एक ये पीछे से बसपा रिवर आ रही है, तो मैं आपको दिखाता हूँ देखो ग्लेशियर से पानी कैसे आ रहा है। ये देखो ये देखो इसके नीचे से पानी निकल रहा है, ये इसके नीचे से देखो। वो देखो जी सामने चितकुल गांव, थोड़ा सा आगे तक आए थे हम साइट सीइंग के लिए, वो सामने चितकुल गांव, अब जा रहे हैं वापस। अब हम क्या करेंगे जी, हम करेंगे चितकुल के कैफेज को एक्सप्लोर। मैं जी सही बोल रहा हूँ मैं कि नहीं? एंड ये हमारे पीछे जो हमारे सनानी बैठे हैं, आपका क्या कहना भाई? ये देखिए यहाँ पे कुछ है, ये मतलब कुछ डोम्स टाइप हैं, ये आगे टेंट्स हैं, ये जो नीचे टेंट्स हैं ये हमारे वाले हैं, और ये सामने है चितकुल गांव, और व्यू है कुछ ऐसा। ये जी चितकुल गांव, घर मतलब यहाँ सोलन
मॉर्निंग फ्रॉम द फोर्थ डे ऑफ आवर ट्रिप. तो छिछुल से वापस निकले हैं और रक्षम पहुंच गए अभी. रक्षम पहुंच गए. चलो अब सुनाओ. नो आपके टाइम डाइव. सॉरी आपका टाइम कट गया.